अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूँ सना मिर्जा। और मैं हूँ मंसूर अली खान। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी स्विस हुकाम को खत ना लिखने पर तौहीने अदालत के मुजरिम करार। सुप्रीम कोर्ट ने चंद सेकंड्स की कैद की सजा सुना दी, जो अदालत में शुरू हुई अदालत में ही खत्म। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी का कहना है कि कोयले के कारोबार में हाथ तो काले होते ही हैं। अवामी नुमाइंदों की आखिरी अथॉरिटी स्पीकर कौमी असेंबली होता है। मेरा ख्याल है कि अब इस कन्विक्शन के बाद वज़ीर-ए-आज़म को फौरी तौर के ऊपर जो है वो अपना ओहदा छोड़ना चाहिए, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। सजा हो गई, अब यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानते, फौरी मुस्ताफी हो जाए, नवाज शरीफ का मुतालबा। वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसले पर मुल्क में मुख्तलिफ रद्द अमल, कहीं मिठाइयाँ बांटी गयी तो कहीं एहतजाज किया गया। सलाला हमले के बाद आर्मी चीफ कियानी से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी मार्क ग्रॉसमैन की पहली मुलाकात, सिक्योरिटी उमूर पर गौर किया गया। वज़ीर ख़ारिजा हिना रबानी खर कहती हैं ड्रोन हमले रोकने का कहते तो हैं पर अमरीका सुनता ही नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे अली मूसा गिलानी ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स को बयान रिकॉर्ड करा दिया, कहते हैं कि अगर उनका फोन कहीं इस्तेमाल हुआ है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। मेमो कमीशन की कार्रवाई जारी, हुसैन हकानी के वकील जाहिद बुखारी ने कहा है कि उनके मौक्कल को पाकिस्तान में एजेंसियों से खतरात हैं। मंसूर एजाज के वकील अकरम शेख ने गिरफ्तारी के वारंट जारी करके हकानी को पाकिस्तान बुलवाने का मुतालबा कर दिया। अपनी अम्मी से मिलाया, अपने परिवार से मैंने उनको मिलाया। और आमिर खान पहुंचे, रिक्शा ड्राइवर के यहाँ शादी में मुबारकबाद दे रहे थे कि स्टेज गिर गया।